से गुड बाय टू योर क्रिप्टो लॉस, क्योंकि अब आ गया है वर्ल्ड का सेफेस्ट क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट साइफर रॉक। तो इस रिव्यू यूनिट को प्रोवाइड करने के लिए साइफर रॉक को थैंक यू, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, चैनल को सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यूएसपी देख लेते हैं प्रोडक्ट की। सबसे पहली यूएसपी है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। दूसरे यूएसपी की बात करें तो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेटेड क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट है वर्ल्ड में। थर्ड यूएसपी की बात करें, अब तक का इकलौता ऐसा हार्डवेयर वॉलेट है जो आपके प्राइवेट की को डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर करता है, और इस यूनिक फीचर की वजह से ये हार्डवेयर वॉलेट 10x ज़्यादा सिक्योर बनता है और आपको सीड फ्रेजेस से भी आज़ादी दिलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गैस फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से पैकिंग में आपको ये हार्डवेयर वॉलेट मिलता है, मतलब इस तरह से नहीं क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग पहले कर दी है, इसलिए फटा हुआ दिख रहा है आपको। बहुत ही खूबसूरत पैकिंग के साथ आपको मिलता है पूरे प्रोटेक्शन के साथ में। तो ये मैंने खोल दिया था क्योंकि अंदर मुझे देखना था यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो इनको मैं किनारे कर देता हूँ। तो ये देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का बॉक्स है और ऊपर यहाँ पर ब्रांडिंग लिखी हुई है साइफर रॉक्स X1 और ये लोगो बना हुआ है। इस तरह से पीछे साइफर रॉक X1 ब्रांडिंग है और ये लोगो है और ये वेबसाइट वगैरह दी गई है जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये पूरा सील्ड पैक रहता है, यानी कि एक स्ट्रिप लगा था, मैंने इसको निकाल दिया तो ये ओपन हो गया। तो जब भी आपको मिलेगा ये पूरी तरीके से सील्ड होगा, यानी कि प्लास्टिक से सील्ड होगा। और ये सील आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये सील बंद होना चाहिए, अदरवाइज़ इसको आप रिटर्न कर दीजिएगा अगर सील खुली रहेगी। तो ये इस तरह का बॉक्स आता है ब्लैक कलर में, बहुत ही खूबसूरत सा प्रीमियम लुक लग रहा देखने में, ठीक है। तो इसके अंदर हमें मिलता है एक हार्ड बॉक्स, ये हो गया, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं, इसको किनारे कर देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा ये बॉक्स है और हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। ऊपर से फ्लेक्सिबल ज़रूर नज़र आ रहा है लेकिन काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का बॉक्स है, जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी प्रीमियम ये केस लग रहा है। और इसकी अगर ज़िप की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम ज़िप है और काफ़ी मजबूत है और काफ़ी स्मूथ तरीके से ये ज़िप जो है काम कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रखी है बॉक्स की। तो लॉन्ग लाइफ आप के हार्डवेयर वॉलेट को ये बॉक्स जो है प्रोटेक्ट करता रहेगा, सेफली आप इसको रख लेंगे तो हमेशा ही अच्छा ये बॉक्स नज़र आने वाला है। और साथ में ये आपको एक स्ट्रैप दिया गया है जहाँ पर आप इसको हैंग कर सकते हैं जैसे कि देख पा रहे हैं। तो फटाफट खोलते हैं बॉक्स के अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये जब खोलते हैं तो इसमें यहाँ पे आपको कुछ आइटम मिलते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये केबल है, ये आइटम है, तो ये है, और साथ में यहाँ पे ये कार्ड है और ये आपको X1 वॉलेट है। और इसके अंदर और देखते हैं क्या है, कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा पॉकेट की तरह दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है यूनिट के अंदर वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दो नेट के पॉकेट बने हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, मैंने आप छू के देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया और टिकाऊ पॉकेट बने हैं। और अंदर की अगर मटेरियल की बात करें तो अंदर काफ़ी फोम टाइप का लग रहा है, जो कि कहीं जर्क में आपका हार्डवेयर वॉलेट डैमेज ना हो उस तरह से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। बिल्ड क्वालिटी अंदर से भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा केस बना हुआ है, तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं और इसको रख देते हैं साइड में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये है X1 हार्डवेयर वॉलेट, ये आपको मिलता है। और इसके बाद मिलता है ये कार्ड, देख पा रहे हैं, और एक ये स्ट्रैप मिलता है जिसको कि आप इस हुक के अंदर आप डाल के उसको आप सेफ रख सकते हैं, टांग सकते हैं, गले में लटका सकते हैं। और यहाँ पे एक ये केबल मिल जाती है Type A to Type C, यानी कि ये आपका Type C जो केबल है आपके यहाँ लग जाएगा हार्डवेयर वॉलेट के अंदर, और ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में अटैच हो जाएगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में Type A का पोर्ट नहीं है तो आप इस कनेक्टर को यूज़ करके यहाँ पे Type C कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे दी गई है साथ ही साथ। और यहाँ मिलता है स्टिकर,
और ये है आपका वेबकैम कवर, यानी कि आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर जो वेबकैम लगा रहता है उसके प्रोटेक्शन के लिए कवर दिया गया है। ये अच्छी चीज़ लगी, ये आप ले सकते हैं। और ये है यूज़र मैनुअल, जहाँ पे आपको बताया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि किस तरह से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको मैनुअल को देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वारंटी और रिटर्न पॉलिसी का एक यहाँ पे बुकलेट है छोटी, इसको किनारे कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मिलता है एंटी थेफ्ट कार्ड स्लीव्स। ये कार्ड स्लीव्स है, यानी जो कार्ड मिले हैं, चार कार्ड हैं और चारों के स्लीव्स अलग मिले हैं, यानी कि कार्ड प्रोटेक्टर आप कह सकते हैं, पाउच कह सकते हैं। इसके अंदर अपने कार्ड को आप सेफली रख सकते हैं। ये चीज़ हो गई, इतने आइटम आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं X1 हार्डवेयर वॉलेट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की और बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये पूरा ही प्लास्टिक से बना हुआ है, हालांकि ठीक ठाक है, बहुत मजबूत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ही बना हुआ है। और ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी लुक दिया गया है, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि फिंगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, वो थोड़ा सा गंदा लगता है, तो आपको पोछना पड़ेगा बार बार। और पीछे थोड़ा मैटी टाइप का फिनिश है, पीछे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एक हुक दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया कि इस स्टेप को आप हुक में डाल सकते हैं और यहाँ पे आप गले में लटका सकते हैं। ये जॉयस्टिक दी गई है जो कि काफ़ी स्मूथ है, आप इसको अप डाउन लेफ्ट राइट और बीच में प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रांजेक्शन करने में हेल्प मिलेगी, एरो का भी काम करेगा और आपके अकाउंट को एक्सेस करेगा, और साथ में ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए जॉयस्टिक दिया गया, जो कि काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है मुझे। अगर X1 के साइज़ की बात की जाए तो 3x6.4x1.5 सेंटीमीटर का ये X1 वॉलेट है, और इसका वज़न जो है वो 200 ग्राम है। और सामने यहाँ पे मिलता है OLED डिस्प्ले, जिसका साइज़ है 0.96 इंच का। और X1 कार्ड डेटा रिटेंशन की बात करें तो 20 ईयर प्लस का ये डेटा रिटेंशन आपको देता है, यानी कि 20 साल से ज़्यादा आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं सेफली। और अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो करंट में ये विंडो, मैक और लिनक्स को सपोर्ट करता है। ये अभी कंप्यूटर और लैपटॉप पे ही आपको चलेगा, ठीक है, अभी मोबाइल वर्जन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एंड्रॉयड और iOS का भी फीचर आने वाला है। और इसके अंदर डुअल चिप आर्किटेक्चर है, जो कि आपकी ऑफलाइन में कंप्यूटेशन और वेरिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बात करें कार्ड की, कार्ड में आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर दिया गया है। ये X1 कार्ड जो है ये NFC बेस्ड स्मार्ट कार्ड है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो जिस तरह से बैंक के क्रेडिट कार्ड होते हैं, उतने ही सिक्योर ये NFC बेस्ड कार्ड है, जो कि आपको ट्रांजेक्शन पे हेल्प करता है, आपके वॉलेट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे आपको सीड फ्रेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस कार्ड को टैप करके, इसके नीचे आपको टैप करना पड़ेगा, टैप करके आप ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर सकते हैं, अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये टैप का जो मैकेनिज़्म है, ये जो है आपको 5 लाख प्लस टैप का ये सपोर्ट दिया गया, यानी कि 5 लाख टैप आप इस पे कर सकते हैं, तब तक ये कार्ड आपका प्रॉपर वे में काम करता रहेगा। और ये जो कार्ड देख पा रहे हैं, कार्ड को आप अलग अलग जगह प्लेस करके रख सकते हैं, और जब आपको अकाउंट एक्सेस करना है कभी भी, तो किसी भी एक कार्ड को आप टैप करके अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर X1 वॉलेट की बात करें तो अगर ये कभी डैमेज हो जाता है, गिर जाता है, खो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नया ऑर्डर कर सकते हैं और अपने पास जो कार्ड रखा हुआ है आपने, उसको टैप करके आप अपने अकाउंट को फिर से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप अपने फंड को लूज़ नहीं करेंगे, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा। और ये कार्ड जो है फुली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कार्ड है, जो कि आपके क्रिप्टो एसेट को पूरी तरीके से सिक्योर और सेफ रखता है। तो काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड आपको नज़र आ रहा है, इसमें ब्रांडिंग दी हुई, लोगो X1 लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा सा ये कार्ड यहाँ पे नज़र आता है। तो आइए गाइस कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हाईएस्ट रेटेड हार्डवेयर वॉलेट इन द वर्ल्ड बाय क्वाइन ब्यूरो। क्वाइन ब्यूरो को तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे पूरा रिव्यू पढ़ सकते हैं। 4.8 की रेटिंग है आउट ऑफ 5, तो ये रिव्यू आप पढ़ लीजिएगा, काफी बड़ा आर्टिकल है। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, सिक्योरिटी ऑडिटेड बाय की लैब्स। की लैब्स इसकी सिक्योरिटी को ऑडिट करता है। द फर्म दैट फाउंड वल्नरेबिलिटीज इन लेजर एंड टीजर हार्डवेयर वॉलेट्स। लेजर और टीजर हार्डवेयर वॉलेट को तो आप जानते ही हैं, उसमें भी की लैब्स ने कमजोरी और खामियां पहले भी पाई हैं।
इसके रिपोर्ट भी है नीचे। इंट्रोड्यूसिंग द सेफेस्ट क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट इन द वर्ल्ड, एक ये वीडियो है, इसको देख सकते हैं। पूरा ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, बाकी मैं तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर होल्डर्स की बात करें जो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, तो कॉइनबेस है, बाइनेंस है, गूगल है और थर्ड वेव है। जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज हैकेबल, इवन योर फेवरेट एक्सचेंजेस, फेवरेट वॉलेट्स, फेवरेट बैकअप्स, तो सब कुछ यहाँ पे हैकेबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल है, न्यूज़ हैं जो हैक हुए हैं, उनके बारे में डिटेल में है, आप उसको देख सकते हैं। बट नॉट विथ अस, हमारे साथ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है, वी डोंट सेंट्रलाइज योर कीज लाइक वॉलेट। तो वॉलेट की तरह यहाँ पे आपकी कीज को सेंट्रलाइज नहीं रखा जाता है। वी डोंट एक्सपोज योर कीज लाइक बैकअप्स, आपके कीज को बैकअप के तौर पे नहीं एक्सपोज करते हैं। वी डोंट स्टोर योर कीज लाइक एक्सचेंजेस, तो एक्सचेंजेस की तरह हम यहाँ पे आपके कीज को स्टोर नहीं करते हैं। CipherRock X1 Crypto Wallet decentralize your private key to give you 10x more security. इस वजह से जो decentralized way में ये store करते हैं, इस वजह से जो है ये product जो है 10x more secure है। Without the need of a seed phrase backup, यहाँ पे आपको seed phrases के backup की कोई requirement नहीं है। Your crypto private key, यहाँ पे जो क्रिप्टो प्राइवेट की है उसको किस तरह से इन्होंने स्प्लिट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, स्प्लिटिंग द की, योर क्रिप्टो प्राइवेट की इज क्रिप्टोग्राफिकली स्प्लिट इनटू 5 पार्ट यूजिंग समीर्स सीक्रेट शेयरिंग। तो यहाँ पे जो आपकी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू जो प्राइवेट कीज है उसको किस तरह से मैनेज किया है, तो यहाँ पे जो रोल है वॉलेट का है, साथ ही साथ जो कार्ड उन्होंने प्रोवाइड किए उसके उसको उन्होंने एक मैकेनिज्म के तौर पर यूज किया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टोरिंग इट, कैसे स्टोर किया उन्होंने, ईच पार्ट इज यूनिकली स्टोर्ड ऑन द X1 वॉल्ट एंड द 4X1 कार्ड दैट ओनली यू कंट्रोल। तो यहाँ पे जो प्राइवेट की के स्टोरेज का जो मैकेनिज्म है वो वॉलेट के साथ साथ जो आपको 4 कार्ड दिए गए हैं उन कार्डों में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे मैनेज किया है। Distributing it, which you distribute into geographically different location, जिसको आप अलग अलग location पे आप उसको distribute कर सकते हैं safety point of view से। Making transactions, to make a crypto transaction, just fetch and tap any one out of the 4 card on the X vault. तो यहाँ किसी भी एक कार्ड के थ्रू आप क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नो सीड फ्रेज बैकअप्स, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जस्ट प्योर पीस ऑफ माइंड। और यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, CipherRock X1 कोल्ड वॉलेट गिव्स यू फीचर दैट अदर थॉट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया गया है और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। 4 हार्डवेयर वॉलेट इन 1 वॉलेट, आप इस वॉलेट के अंदर 4 वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। ओपन सोर्स विथ सिक्योर एलिमेंट, और ये पूरा ओपन सोर्स है सिक्योर एलिमेंट के साथ में। अदर वॉलेट कैन स्टील योर एसेट, वी कांट। सपोर्ट फॉर डीफाई एंड NFTs थ्रू वॉलेट कनेक्ट, तो वॉलेट कनेक्ट के साथ यहाँ पे डीफाई और NFT को भी सपोर्ट किया गया है। यूज फॉर इट मैनेजिंग सीड फ्रेज ऑफ योर अदर वॉलेट, आप यहाँ पे दूसरे वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क के सीड फ्रेजेस को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। CipherRock इज सक्सेसफुली स्क्रूटनाइज बाई वॉलेट स्क्रूटनी, तो वॉलेट स्क्रूटनी की तरफ से यहाँ पे CipherRock को स्क्रूटनी किया जाता है। 3 ईयर्स ऑफ R&D टू बिल्ड द वर्ल्ड सेफेस्ट Web3 वॉलेट, 3 ईयर्स प्लस R&D के बाद वर्ल्ड के सेफेस्ट Web3 हार्डवेयर वॉलेट को बनाया गया। जैसा कि देख पा रहे हैं, X1 वॉल्ट मीन्स जो X1 वॉलेट है, फिर कार्ड्स हैं 4 NFC बेस्ड कार्ड, जैसा कि मैंने बताया। CY Sync ऐप है, ये ऐप के थ्रू आप पूरा मैनेज कर पाएंगे अपने ट्रांजेक्शन को, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है।
3000 प्लस डिजिटल एसेट सपोर्टेड, यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा आप डिजिटल एसेट यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ की पॉइंट, बाकी वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं। बेस्ट बाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप बाई करते हैं तो आपको एक बेस्ट प्राइस मिल सकता है। और इस वॉलेट को कैसे यूज करें, हाउ टू यूज, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मेरे पास ये रिव्यू प्रोडक्ट आया है, मैं थोड़ा सा समझ लूँ कैसे वॉलेट क्रिएट करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, सब चीज़ें मैं खुद चेक कर लूँ, फिर मैं आपके साथ अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।